हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा किचन में सबको स्वागत है। नवरात्रि में सबको ढेर सारे शुभकामनाएं हैं और आज रेसिपी लेके आई हूँ जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पे दो बॉयल आलू लिया हूँ, एक ग्रेटर लिया हूँ, इसे पहले ग्रेट कर लूंगी। आलू ग्रेटर से ग्रेट कर लिया हूँ। ये सिंघाड़ा का आटा लिया हूँ, ब्रोथ वाले आटे जो व्रत में खाते हैं वही वाले आटे हैं। इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, जो जैसे तीखा खाते उस हिसाब से डाल सकते हैं, और धनिया बारीक कटा हुआ। यहाँ पे दूंगी ब्रोथ वाली नमक, जो सिंधा नमक होता है वही है, और ब्रोथ में कोई अदरक नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और अभी ये आटे को मिला दूंगी। इसको आटे के तरह गूंदना है। आलू का पराठा बनेगी व्रत के लिए, ब्रोथ वाली पराठा। इसमें पानी नहीं दिया हूँ, बॉयल आलू है तो आलू तो गीला गीला रहते ही है, एक्स्ट्रा पानी नहीं लगती है। तो देखिए गाइस, डो बन के तैयार हो गए। इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं लगी, जो आलू बॉयल आलू थे उसमें ही हो गए। तो देखिए गाइज, एक बेल लिया हूँ और कितना अच्छा पराठा बना है, बिल्कुल गोल सी। नॉन स्टिक का पैन में बनाऊंगी, पैन गरम हो गए और घी कटोरी में लिया हूँ, घी में ही पराठा को सेकूंगी। पराठा को पलट दूंगी। घी एक पराठा बन के तैयार हो गए, इसको निकाल लूंगी और ऐसे ही बाकी जो पराठा है उसको भी सेक लूंगी। देखिए गए, सारे पराठा तैयार हो गए। देखिए दही है और दही को मैं अच्छे से फेंट के रखा हूँ, इसका रायता बनाऊंगी। ब्रोथ वाली नमक दूंगी, सिंधा नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और मूंगफली को भून के ऐसे दर दरा कूट के रखी हूँ, इसको भी रायता में दे दूंगी। इसको अच्छे से मिला लूंगी। ये रायता खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। रायता रेडी हो गए। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा लिया हूँ, रूह अफ़ज़ा की शरबत बनाऊंगी। तो गाइज, एक पराठा को मैं तोड़ के दिखा रही, कितना नरम और कितना अच्छा हुआ है। देखिए कच्चा भी नहीं है और नरम भी है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइज, अगर आज का रेसिपी आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और जो हमारे चैनल पे नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही कई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।